क्लास 8 स्टूडेंट वन मॉर्निंग और आज हम यहाँ पर लेसन नंबर 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए इसका सुनते हैं। इसका हम आपको पहले हम संस्कृत में आपको पढ़ाते जाएंगे, उसके बाद हम आपको इसका अनुवाद कराते जाएंगे। वैसे अनुवाद इसकी एक पुस्तक में लिखा है, लेकिन फिर भी उच्चारण किस प्रकार से किए जाते हैं संस्कृत के, इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं इसको रीड करके। चलिए इसको समझिए। त्वम आदि देवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम वेतसी वेदम चा परम चा धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। हे भगवान, तुम आदिदेव यानी सर्वप्रथम देव हो, पुरातन पुरुष हो, तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हो, तुम ज्ञाता हो, तुम ही जानने योग्य हो और परम धाम भी तुम हो। हे अनंत रूप परमेश्वर, ये संपूर्ण संसार तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। चलिए इसके सेकंड श्लोक में आते हैं वंदना के। जीव ने यावन दानम स्यात् प्रधानम ततो अधिकम इत्येषा प्रार्थनात्मकम भगवन परिपूर्णतयाम। जीवन में हम जितना ग्रहण करें धन ज्ञान आदि, उससे अधिक हम प्रदान करें, अर्थात यथा संभव धन आदि से निर्धनों की सहायता करें और ज्ञान द्वारा लोगों को अज्ञानता से दूर करें। हे भगवान, हमारी ये प्रार्थना पूरी कीजिए। चलिए नेक्स्ट श्लोक में आते हैं लास्ट में। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्ववाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानकमयम वंदे विष्णु भव भयंहारम सर्वलोके नाथम। जिसकी आकृति अतिशय शांत, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हैं, जिनकी नाभि से कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश में सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीले मेघ के समान, नीले मेघ का मतलब है नीले बादलों के समान, जिनका वर्ण है अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन मरण रूपी भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार से पहला जो लेसन है उसको हमने आपको एक्सप्लेन किया। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा, वैसे उसमें सब दिया हुआ है। उच्चारण के लिए सिर्फ हम आपको ये करा रहे कि संस्कृत किस प्रकार से पढ़ी जाती है। तो इसको जहाँ ये विसर्ग लगे हैं, जैसे त्वम आदि देवा, तो ये हा विसर्ग, तो इसको हा पढ़ा जाएगा। इस तरीके से कहीं कहीं आपका हलंत दिए हुए हैं, तो ये सब इसको हमने आपको यहाँ पर उसको उच्चारण करके समझाया। थैंक यू।